महाशक्तियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बताइए मुझे क्या करना है? शोभे, तुम्हारा ये दिव्य शरीर हम तीनों देवियों के तेजो अंश से प्रकट हुआ है। तुम जहां भी रहोगी हम तीनों की शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। देवी, धरा पर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतरण हो चुका है। वह पापी असुरों का संहार कर धरती पर सुख शांति की स्थापना करेंगे, धर्म मर्यादाओं को पुनर्जीवित करेंगे। महाशक्तियों, ऐसे में मुझे क्या करना है? बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा कार्य होगा लोक जीवन में शुभ कर्म और शुभ विचारों की प्रस्थापना करना। इन्हीं पर धर्म की नींव टिकी हुई है। राम जहां क्षत्रिय बल अर्थात अस्त्र शस्त्रों के बल पर असुरों का विनाश करेंगे, वहां तुम लोक जीवन की पूर्ण स्वर्णा बनकर धरती पर मानव धर्म की स्थापना करोगी। महाशक्तियों, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु आप तीनों द्वारा दिया गया यह शरीर अभी मेरा तेजस्वी रूप है। मैं इस पार्थिव जगत में इस तेजस्व शरीर से क्या कर पाऊंगी? तुम्हारा कथन सत्य है देवी, राम काज के लिए तुम्हें भी मानव शरीर धारण करना होगा। ये कैसे संभव होगा महाशक्तियों? तुम्हें दक्षिण क्षेत्र में जाकर रत्नाकर की पुत्री का स्थान ग्रहण करना होगा। वो कई जन्मों से हम तीनों देवियों की भक्ति भाव पूर्वक आराधना कर रहा है। अब उसकी साधना पूर्ण हो चुकी है और हम उसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहती हैं। हम तीनों के अंश रूप में तुम्हें पाकर रत्नाकर धन्य हो जाएगा। साथ ही राम काज में सहायता कर तुम धरती पर राम राज की सुगंध फैलाओगी। जो आज्ञा महाशक्तियों, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। इस प्रकार त्रेता युग में धरती पर माता वैष्णवी ने जन्म लिया था। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय सूर्याय ज्योति नमः। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, हमने बहुत कोशिश की इसके माँ बाप को ढूंढने की, लेकिन आज तीसरा दिन है, उसे लेने कोई नहीं आया। तो फिर इसका लालन पोषण आश्रम में ही हो तो अच्छा है। अब तो मेरे साथ आओ। बच्ची को उठा लो अब्दुल। आश्रम। क्यों? ये बच्ची अब वहीं रहेगी। वो आश्रम माता के भक्त ही चलाते हैं, हमारे ट्रस्ट के देखरेख में है। नहीं, ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। श्रद्धा, ये पहले तय हो चुका था, आज तीसरा दिन है और इस बच्ची को कोई लेने नहीं आया। इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये अनाथ है। नहीं, ये बच्ची अनाथ नहीं है। मैं जानती हूँ इसकी माँ को।
मैं तो क्या, आप सब जानते हैं इसकी माँ कौन है। कौन है इसकी माँ? वो इसी घर में रहती है। इस घर में? वो रही है, वो है इसकी माँ। माता रानी की बेटी है ये, और आज से ये कहलाएगी वैष्णवी। जिस घर में आपकी माँ रहती है ना पुजारी जी, वो घर आपका अपना कहलाता है। ये घर वैष्णवी का घर है, आज से ये इस घर की बेटी कहलाएगी। तुम्हें इस बच्ची से मोह हो गया है श्रद्धा, ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, तुमने इसे जन्म नहीं दिया है। सच है पुजारी जी, जन्म तो इसने मुझे दिया है, जो इतने सालों में नसीब मुझे नहीं बना पाया, वो मेरी गोद में आते ही इस बच्ची ने मुझे बना दिया। श्रद्धा? श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा नहीं रही पुजारी जी, वो तो माँ बन गई है। गोद में बच्चा आ जाने से औरत माँ नहीं बन जाती। माँ का दिल तो आपकी माता रानी ही समझेंगी पुजारी जी, आप नहीं। शब्दों से क्यों छल रही हो अपने आप को और मुझे भी? माँ का प्यार मिलने से बच्चे का पालन पोषण नहीं होता है श्रद्धा, उसे पिता की छत्र छाया की भी जरूरत पड़ती है। दुविधा यह है कि तुम्हारे दिल ने तो इसे बेटी मान लिया है, लेकिन मेरा दिल कभी इसे बेटी स्वीकार नहीं करेगा। ये दुविधा सिर्फ आपकी है पुजारी जी, क्योंकि स्वयं माता रानी ने इसे अपनी बेटी स्वीकार किया है। कहने को तुम कह रही हो कि ये माता रानी की बेटी है, लेकिन पूरा भदरवा जानता है कि हमारी कोई संतान नहीं है। सिर्फ तुम इसे बेटी कहके पुकारोगी, मुझे और पूरे भदरवा के लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कब तक छिपाए रखोगे? आज नहीं तो कल इस बच्ची को पता चलना है कि ये अनाथ है, इस घर की बेटी नहीं है। तब पुजारी जी, आपको और पूरे भद्रवा को माता रानी की सौगंध है कि इस जीवन काल में कोई वैष्णवी को ये नहीं बताएगा कि ये हमारी बच्ची नहीं है। ये हमारी बेटी है और हमारी बेटी ही कहलाएगी। माता रानी ने अपनी बच्ची मुझे सौंपी है, कोई मेरी ममता को झूठा ना कहे। यशोदा मैया की तरह मैं हमेशा इसकी मां कहलाऊंगी, और विद्यासागर इसके पिता। हाँ, तू अपनी मां के साथ इस घर में रहेगी, इस घर की बेटी कहलाएगी तू। पत्नी के साथ ही मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के वचन क्या बात है, आप अभी भी नाराज हैं मेरी बेटी से? क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
देखो श्रद्धा, ये रिश्ता तुमने मुझ पर थोपा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे ये बनावटी प्यार नहीं होगा। तुमने मुझे माँ की सौगंध देकर विवश तो किया है, लेकिन विवशताओं से रिश्ते नहीं बनते श्रद्धा, रिश्ते बनते हैं दिल से। ना, मेरा मन नहीं मानता, मैं इस बच्ची को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने तो हमेशा सोचा था कि पंडित आम आदमी से ज्यादा देवी देवताओं के निकट होते हैं। हाँ, मैं पंडित हूं, लेकिन एक इंसान भी हूं, देवता नहीं, और इतना महान भी नहीं हूं कि किसी गैर को गले लगाकर हमेशा के लिए अपना बना लो। तुम दुनिया भर कहती फिरो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मैं नहीं कह सकता और मैं इस बात से इनकार भी नहीं करूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं इसे भी माता रानी पर छोड़ देती हूं, पर मुझे पूरा विश्वास है जिस बच्ची को देखते ही मेरी ममता जागी, वो बच्ची आपको भी एक दिन मोह लेगी। बाप बनने की लालसा में तुमने अपने पति के मान मर्यादा कभी ख्याल नहीं किया। जात पात धर्म योग कुछ नहीं जानती इस बच्ची के बारे में, और उठा के ले आए पंडित विद्यासागर के घर में। लेकिन तुम्हारी इस मनमानी का प्रायश्चित मुझे करना होगा। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? तुमने तो इसे बेटी मान लिया है, लेकिन जब तक मेरा दिल इसे बेटी स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इसे माता के उस बड़े मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये उस मंदिर से वर्जित है। पिता माता रानी की आराधना में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं कि जिस तरह तू आज इस घर की बेटी बन गई है, उसी तरह माता रानी ने भी रत्नाकर की बेटी का स्थान लिया था। तुझे याद है मैंने वो तुझे कथा सुनाई थी जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के आदेश पर स्वयं माता रानी ने रत्नाकर के घर में बेटी बनकर जन्म लिया था। अब तू आगे सुन। एक रोज रत्नाकर अपनी पत्नी के साथ अपने महल के आसपास घूम रहा था। ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। शुभी नमः। जी स्वामी। शुभी, अभी ध्यान में मैंने माता को देखा। माता एक
एक नवजात शिशु के रूप में प्रकाश बिंब से घिरी हुई समुद्र में अवतरित हो रही है और बहती हुई हमारी ओर चली आ रही है। हाँ शुभे, क्या वो देखो शुभे, वो देखो, चलो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, कितनी सुंदर बालिका है। अपने आप में मगन, अपने आप से खेलती हुई। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज, ये कन्या आपको श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में मिली है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु है महाराज। पुनः इस लग्न कुंडली में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और ये भगवान विष्णु के सबसे प्रिय है महाराज। इस लग्न भाव में तेजस्वी सूर्य के रहते इस कन्या को ये दिव्यता प्रदान कर रहे हैं, अर्थात ये एक अद्भुत और चमत्कारी स्वरूप वाली है महाराज। ये तो साक्षात देवी का रूप है महाराज। आचार्य जी, मेरी पुत्री के वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। महारानी जी, कभी कभी कुछ प्रश्नों का उत्तर समय के गर्भ में छुपा होता है। समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। एक बात और, इस कन्या के किसी भी कार्य को कभी रोकिएगा नहीं, क्योंकि ये स्वयं दैवी विधान लेकर आई है। नाम पर तो विचार किया होगा आचार्य जी। ये श्रीहरि भगवान विष्णु के प्रभाव से दीप्त है, इसलिए इस कन्या का नाम उन्हीं भगवान विष्णु के स्वरूप वैष्णवी रखना उचित होगा महाराज। वैष्णवी, ऐसे उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैसे ही मैंने भी अपनी माता रानी की बेटी का नाम वैष्णवी रख दिया। नागर की बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी विशेषताएं धीरे धीरे सामने आने लगी। बचपन से ही बड़ी अद्भुत बच्ची थी, मस्त मौला, अपनी ही दुनिया में मगन। हो नन्ही नन्ही कली खिली है आंगन में, हो चलत गिरत फिर उठत चलत है, कितनी प्यारी लागे। झनक झनक नन्हे पैरों से भाग।